दोस्तों बेंगलुरु में एक ऐसे खास स्पेशल बंदे से मिला था जिसके साथ मैंने पूरी बेंगलुरु की गलियां घूमी थी और उस बंदे ने मुझसे वादा किया था कि वो जल्द ही दिल्ली में आने वाला है और वो दिल्ली में आ चुका है। भाई मैं बात कर रहा हूँ भाई ओविड की इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल की, दिल्ली में एंट्री ले चुकी है वो भी सिर्फ 1,10,000 की एक्स शोरूम प्राइस के साथ। पता करते हैं भाई इस बाइक के बारे में कैसे, कब और कितने की आपको ये पड़ने वाली है दिल्ली के अंदर ऑन रोड। तो चलो ओके, तो ये ले ली हमने एंट्री भाई और यहाँ पे हमें मिले हैं नीतरम भाई। कैसे नीतरम भाई, वेलकम टू दिल्ली। अरे आपको भी वेलकम सर। ओके नीतरम भाई, एक ख्वाहिश है मेरी बिल्कुल कि जब मैं बेंगलोर में था ओबेन ने मुझे पूरा बेंगलोर घुमाया बिल्कुल, अब ये दिल्ली में आ गई है तो मैं चाहता हूँ दिल्ली घुमाऊ, दिल्ली के लोगों से मिलाऊं। बिल्कुल आप लेकर जाओ दिल्ली घुमा के लेके आओ बहन को। चलो फिर चलते हैं। पुरानी दिल्ली जो कि मेरे दिल के बहुत करीब है, हर वीकेंड मेरा यहीं पे बीतता था भाई। कैसे इन गलियों को मैं नापता था आज सेम करने वाला हूँ ओवेन रोर के साथ। लाल किला जो कि पुरानी दिल्ली की सबसे फेमस जगह है भाई, पिछले 375 सालों से ये बुलंद खड़ा हुआ है भाई। आज भी हैरानी हो जाती है इसकी बिल्ड क्वालिटी को लेके। बिल्ड क्वालिटी के मामले में अपनी जो ओबेन रोड है वो भी काफी अच्छी है। लाल किले के जस्ट सामने आता है चांदनी चौक, जहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे लाल जैन मंदिर, गौरी शंकर मंदिर, गुरुद्वारा शीशगंज साहिब और इसी रास्ते के अंत में फतेहपुरी मस्जिद। गुरुद्वारा शीशगंज साहिब में मैं बहुत बार आया हूँ, अलग ही शांति मिलती है भाई और अपने स्कूल के दोस्तों के साथ यहाँ पे मैंने बहुत लंगर खाया है। यहाँ से थोड़ा आगे चलते ही हम घुस जाते थे भाई बल्ली मरान की गलियों में। यहाँ पे मिलती है आपको तंग तंग गलियां, यहीं पे मैं अपनी साइकिल गैंग के साथ आया करता था, साइकिल को ये कट मार दो निकालता था पूरी भीड़ में से और आज भी इन गलियों में इजिली कट मार पा रहा हूँ थैंक्स टू ओबेन रोर की स्पोर्टी हैंडलिंग। नई सड़क को पार करके मैं पहुंच जाता हूँ सीधा जामा मस्जिद पे और जामा मस्जिद आपको पता ही है लाल किले के बाद जो सबसे फेमस है वो यहाँ पे जामा मस्जिद है, जहाँ पे सबसे ज्यादा बंदे आते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और मशहूर है जिसका नाम है मीना बाजार और मीना बाजार से भी सबसे ज्यादा मशहूर है यहाँ का चोर बाजार। यूट्यूब पे भाई मिलियंस में व्यू आते हैं इस पे। यहाँ पे मेरा हर संडे को आना फिक्स था। एक बार तो मेरे दोस्त की बाइक उठ गई थी यहाँ पे, 2 घंटे ढूंढने के बाद पास के थाने में मिल गई थी और 2 घंटे से याद आया ओबेन रोड का फास्ट चार्जिंग टाइम भी 2 घंटे। दिल्ली की सड़कों पे अचानक कहीं से कुछ भी आ सकता है लेकिन ओबेन रोड कंट्रोल करना काफी आसान हो जाता है क्योंकि इसके अंदर है UBA टेक्नोलॉजी जिससे सडन ब्रेकिंग आसान हो जाती है। और यहाँ मामा जी को देखते ही मैंने अपना रास्ता बदल लिया। दिल्ली के दिल यानी कनॉट प्लेस से होते हुए हम पहुंच चुके हैं रामलीला मैदान, जो कि अपनी रामलीला और अनशन रैली आयोजनों के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। डेलाइट सिनेमा हॉल 1952 में आया था और नॉर्थ इंडिया का पहला एसी वाला सिनेमा हॉल था। यहाँ पे भी मैंने कई बार पिक्चरें देखी हैं। अब दिल्ली की गलियों में जो वाइब आती है वो मैं आपको शब्दों से तो बयां नहीं कर सकता। इसी तरह से जो ओबेन बाइक की परफॉर्मेंस है वो भी आपको देख के पता नहीं चलेगी, उसके लिए आपको इसे चला के फील करना होगा तभी आपको पता चलेगा इस बाइक की क्या परफॉर्मेंस है। अब हैवोक मोड में डाल के मैं ले आया हूँ अपनी बाइक को सीधा दिल्ली गेट, जो कि हमारी छोटी सी जर्नी का एंड पॉइंट है। ओके, तो अब हम आ चुके हैं थोड़ी भीड़ भाड़ वाले इलाके में। हमने लाल किला दिखा दिया अपनी ओवेन को, अब दिखाते हैं इसे अपनी दिल्ली की जनता, देखते हैं भाई दिल्ली की जनता से इसे कितनी क्या कहते हैं उसे रिएक्शन मिलते हैं या फिर अटेंशन मिलती है। चलो फिर हाँ, बैटरी वाली है यार, क्या हुआ है ब्रेन? 120-130 चल जाती है, 120-130 एक चार्ज कर लेना। स्पीड 100 निकलती है। ये अभी लॉन्च हुई है दिल्ली में, 1-10 प्राइसिंग है इसमें, 1-10 एक्स शोरूम, बहुत बढ़िया यार। हाँ कहाँ पर ऐसा करूँ, ये पीतमपुरा में है यार। भाई कैसी लग रही है आपको? तो इस तरह के हमें कई बंदे मिल चुके हैं भाई। कुछ से हमने परमिशन मांगी थी यूट्यूब पर डालने की, कुछ ने दे दी है जिनकी वीडियो में लगा दूंगा, जिन्होंने परमिशन नहीं दी तो उनकी वीडियो में नहीं लगाऊंगा। लेकिन हाँ अटेंशन डेफिनेटली ये गेन कर रही है जिससे मुझे पर्सनली तो मजा आ रहा है भाई।
ये भाई नई बाइक आई है, ये रॉर बाइक है, ओबेन कंपनी है, नहीं है ये दिल्ली में भी आई है, कुछ दिन पहले लॉन्च हुई है। अच्छी लग रही है तो लेके जाता हूँ। ये अभी भाई दिल्ली में 1:10 की पड़ रही है इफेक्टिवली, डिस्काउंट विस्काउंट लगा लोगों के, ठीक है, इस पर सब्सिडी वगैरह भी मिलती है। मस्त लग रही है। ओके भाई थैंक यू। ओके ये तो अपनी टेस्ट राइड हो जाती है कंप्लीट। ओके नेत्रम भाई कैसे लग रहा है? तरुण भाई मजा आ गया, मजा आ गया और डेफिनेटली भाई दिल्ली के लोगों को बहुत पसंद आई है ये। क्या टेंशन मिल रही थी मुझे, बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। कोई कुछ पूछ रहा है, कोई कुछ पूछ रहा है, कोई कह रहा शोरूम का है, प्राइसिंग क्या है। एक चीज बंदे मुझसे ज्यादा पूछ रहे थे, बताओ कि भाई किसके लिए सूटेबल है, किसे लेनी चाहिए। बाजार में बता सकता था लेकिन अगर नेत्रम भाई बताएंगे ज्यादा मजा आएगा। बिल्कुल, ये बाइक उस बंदों के लिए सूटेबल है जिनका डेली का कम्यूट 40-50-80-100 किलोमीटर के आसपास है और जिनको घर आके शाम को दोस्तों के साथ गेड़िया भी मारनी है, उनके लिए बाइक परफेक्ट है। शुभम को जानते हो क्या? शुभम, शुभम मेरा दोस्त है, वो यही करता है भाई, उसकी जॉब है भाई गुड़गांव के अंदर। डेली वो 40 किलोमीटर ऑफिस जाता है, 40 किलोमीटर वापस आता है, फिर आने के बाद हम घूमने भी जाते हैं 10-20 किलोमीटर, तो डेली का उसका 100 किलोमीटर का रन हो जाता है। Okay. मजा आता है भाई, लेकिन एक चीज से दुखी है थोड़ा सा, वो है भाई पेट्रोल की प्राइसिंग। उसके दिन के 200 रुपए का तेल लग जाता है, बाकी बंदा ठीक है, बस इससे थोड़ा परेशान है कि 6000 मंथली उसका फ्यूल में लग जाता है, थक जाते हैं। यही तो हमारे बाइक की कमी है कि अच्छा, कमी है खर्चा ही नहीं उठाते ये बाइक। ओके अब जैसे आपका दोस्त सुबह में उसका महीने का 6000 रुपया लग रहा है, अगर वो ओपन रोड से चलेगा उसका सिर्फ महीने का 600 रुपया लगेगा, सीधा 1/10 हो जाता है भाई सीधा। तो ये तो इलेक्ट्रिक बाइक की खासियत ही होती है। नेत्रम भाई वैसे तो मैंने इस बाइक का रिव्यू कर ही रखा है, 2 वीडियो डाले कि हमारी ऑडियंस ने भी कई बार देख लिया होगा, लेकिन हमने करी है शोरूम विजिट, तो डिटेल देना हमारा फर्ज बनता है। तो एक रैपिड राउंड रखूंगा, क्विकली आंसर देना है। बिल्कुल। टॉप स्पीड 100, 0-40 3 सेकंड, मोटर पावर 8 kW पीक पावर और टॉर्क 52 Nm, बैटरी पैक का साइज 4.4 kWh LFP बैटरी। ओके सारी चीजें पता है। चार्जिंग टाइम फास्ट चार्जिंग 0-80% जस्ट इन 2 hours। ठीक है, तो मोस्टली आपने सारी चीजें कवर कर दी है भाई। अब एक क्वेश्चन और आ रहा है मेरे दिमाग में। बिल्कुल बताओ कि जो आपकी 4.4 किलोवाट की बैटरी है इसे चार्ज करने में कितनी बिजली फूकेगी, थोड़ा ब्रीफ आइडिया मिल जाए तो। बिल्कुल, मैक्सिमम सर 4-5 के यूनिट बिजली आपको लगेगी एक बार फुल चार्ज करने में। तो आपको कितना कॉस्ट हो गया, अगर 5 रुपए पर यूनिट 25 रुपए में 120-125 किलोमीटर ट्रेवल करोगे। ओके अगर बताऊंगा 20 पैसे रनिंग कॉस्ट, दिमाग है भाई 20 पैसे रनिंग कॉस्ट में आती है, आई थिंक ये तो मेट्रो से भी सस्ता। हाँ, हो बिल्कुल, गया बिल्कुल। एक क्वेश्चन और है बहुत ज्यादा जरूरी है, हमारी ऑडियंस बिल्कुल पूछती है वो कि अगर इस बाइक में कोई प्रॉब्लम आती है तो सर्विस सेंटर कहाँ है, और राह चलते 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 ये कहीं पे बंद हो जाती है तो फिर क्या होगा? सर सर्विस सेंटर हमारे पीतमपुरा के इधर पीछे ही है, और बाकी अगर राह चलते चलते बंद हो गई हमारी कंपनी रोड साइड RSA प्रोवाइड करती है, रोड साइड असिस्टेंस। ठीक है, तो RSA आपके है। हाँ जी, आपकी बाइक उठाई जाएगी ठीक करके दी जाएगी। एंड नेत्रम भाई अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बच जाता है, 1,10,000 कैसे, क्या ऑफर है वो, कैसे पड़ने वाली है, सब कुछ बता दो हमारी ऑडियंस को। एक शोरूम प्राइस हमारा है 1,49,999। ठीक है, उस पर हम अभी दिल्ली कस्टमर के लिए 20,000 का लॉन्च डिस्काउंट, दिल्ली में आया हाँ, इसलिए 1,29,999 हो गया। ठीक है, बाकी 20,000 सब्सिडी आएगी दिल्ली गवर्नमेंट। यस, अगर किसी बंदे को EMI पे लेनी है तो क्या करना होगा? वो हमारे IDFC बैंक से EMI लोन प्रोसेस होता है, हम लोग फाइनेंस करवाते हैं, वो शोरूम विजिट करें उनको हो जाएगी। और मिनिमम डाउन पेमेंट भी बता दो कुछ क्या है वो? सर आप शोरूम आके विजिट कर लो तभी कितना आपको पता चल जाएगी, सिविल स्कोर पे डिपेंड करती है। तो नेत्रम भाई दिल्ली वालों के लिए तो आपने स्पेशल डिस्काउंट कर दिया है ना, लेकिन ये जो अपनी कोलैबोरेशन वीडियो बन रही है इससे हमारी ऑडियंस से क्या फायदा होगा? ईवी ज्ञान की जो ऑडियंस है उसके लिए कुछ स्पेशल होना चाहिए। बिल्कुल, वो बताओ क्या है? जो ईवी ज्ञान की सब्सक्राइबर हैं, जो ईवी ज्ञान के व्यूअर हैं, उनको हम लोग एक मर्च फ्री दे रहे हैं, अगर आप यहाँ पे आके शोरूम से बाइक परचेज करेंगे तो। क्या बोलना होगा उन्हें? उन्हें आके बोलना होगा कि हमने ईवी ज्ञान की वीडियो देखी है, वहाँ पे इससे देख कर वीडियो शोरूम आया है, तो उनको एक मर्च फ्री मिलेगी। ओके, तो ईवी ज्ञान वाले बंदों के लिए हमने इतना तो करा दिया है, थैंक यू नेत्रम भाई अगेन। और अगर आपको भाई इलेक्ट्रिक बाइक ले रही है, आपको इंटरेस्ट आ रहा है, तो बाइक को आप चला के देख सकते हो, यहाँ पे आके टेस्ट राइड लो, और अगर अच्छी लगती है तो आप ले सकते हो। भाई ने मर्च तो एक आपको फ्री करा ही दी है। मिलूंगा इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में।